हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए जी। आज है जी अपना फैट टू फिट की जर्नी का जी डे 50। पिछले 4 दिन भाई मैं इधर उधर घूमता रहा, लुधियाना और दिल्ली में भी आया, तो उसके बाद भी जो है ना बच्चे के जन्मदिन वगैरह में बिजी रहा। तो आज जो है पूरे 4 दिन बाद जी मैं आया हूँ पार्क में सैर करने के लिए, देखते हैं। और कल जी अपना वेट चेक करना है, कल हो जाएगा डे 51, देखते हैं कितना वजन कम होता है। बाकी यार अपने ना कुछ मुझे लगता है ग्रह भी जो है ना थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं, जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ, कभी किसी टाइम की वजह से जरा फंस जाता हूँ या कुछ ना कुछ कोई और काम बीच में आ जाता है। अभी कल से घड़ी नहीं मिल रही है, आज सुबह 8 बजे तैयार हो गया, 8:30 बजे तैयार हो गया था सैर करने आने के लिए, लेकिन लास्ट टाइम पे चाबी खो गई। और मैंने उठाई है भाई घर से निकलने के लिए ना कि स्कूटी की चाबी पहले जेब में रख लेता हूँ, उसके बाद भगवान जाने कहाँ रख दी भाई, मिली नहीं है। अब वो इलेक्ट्रिक वाली जो है वो उठा के लेकर आया हूँ। अब यहाँ तो ये अच्छा, घड़ी का तो मैं फिर भी कहूँ कि मेरे को डाउट हो रहा है कि वेदांत ने ना कहीं रख दी होगी। अब स्कूटी की चाबी तो भाई सुबह मैंने खुद उठाई है। लो जी, टाइम हो रहा है जी 10:09, मतलब और 9:35 पे जो है ना जी मैंने अपना ट्रैक शुरू किया था। तो आज मतलब हिसाब लगाया जाए तो 35 मिनट में जो है जी अपना ट्रैक पूरा हो गया। अभी फ़िलहाल 1 मिनट अभी बाकी भी है। और अभी मैं यहाँ से आते हुए सोच रहा कि अच्छा मैं पीछे गार्ड भैया खड़े हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भैया टाइम क्या हुआ है। फिर ध्यान आया, मैंने कहा यार मैं तो आज अपनी ये इलेक्ट्रिक लेकर आया हूँ, इस पर टाइम आता ही है। बाकी जी अभी सैर करते करते ना ये सोच रहा था कि आज के पूरे दिन के काम क्या है, तो भाई सोच के तो बड़ी बुरी तरह ना बैंड बज गई है कि आज तो दुनिया भर के काम करने हैं। अभी मैं सोच रहा था कि यहाँ से जो है सीधा जिम चला जाता हूँ, लेकिन अब दिमाग में आ रहा कि भाई अगर इतने सारे काम आज एक ही दिन में निपटाने हैं तो भैया जिम तो नहीं जाना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा कि कैंसिल। बाकी कल देखते हैं जी अपना वजन कितना होगा। फिलहाल यहाँ से फटाफट जो है ना जी घर भागते हैं। एक तो घड़ी नहीं है ना, बार बार वो टाइम देखने की आदत पड़ गई थी, पहले जाके घड़ी ढूंढता हूँ कि रखी कहाँ है वेदांत ने, या फिर शायद मेरे से गलती से जो है ना, जैसे आज मैंने चाबी गलती से कहीं रख दी है, हो सकता है घड़ी भी जो है ना मैंने कहीं ना कहीं रख दी हो, या कल उस दिन जो मैं लुधियाना बैग लेके गया था उसमें चेक करता हूँ जाके कि उसमें तो नहीं है। लो भाई अपना ब्रेकफास्ट आ गया जी, ये तरबूज खाने लगा हूँ। और टाइम बताता हूँ, अभी मैंने टाइम दिखाने के लिए ना कल शाम को आपको ये मोबाइल में ऐप डाली थी, और ये ऐप के बारे में ना मुझे पता चला था जी MSK व्लॉग से। तो मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ भाई, MSK व्लॉग मैं डेली देखता हूँ। वो एक ऐसा चैनल है, मतलब अगर वीडियो नहीं आती तो मैं यही चेक करता रहता हूँ कि वीडियो आया है कि नहीं आया है। फिलहाल इसको फटाफट फिनिश करते हैं। 11:35 मैंने आपको बताया, 12 बजे वेदांत की क्लास है, तो उसको जो है वो क्लास अटेंड करवाने के लिए लेके जाना है। और नोना देख रही है हनुमान, मैंने और पंकज ने तो रात को देख ली भाई, बहुत अच्छी मूवी लगी है यार। अब नोना देख रही है ना, आधी देखी थी है ना, अब ये फिनिश करेगी आराम से और मैं ये फिनिश करूँगा। अब जाके वीडियो एडिट हुई है और मैंने फटाफट जो है ना उसको अपलोड कर दिया। पंकज को बोल दिया कि थंबनेल ना तैयार कर दे और 3 बजे का जो है ना वीडियो को शेड्यूल कर दे। बाकी जी एक बात आपके साथ और शेयर करता हूँ, अभी 4 बजे जो है ना जी हमने एक जगह और जाना है, वेदांत को ना हम एक जगह क्लासेस करवाते थोड़ी सी उसकी स्पीच और इम्प्रूव करने के लिए। आप में से कुछ लोगों ने नोटिस भी किया है कि वेदांत जो है ना हल्का सा कभी कभार रुक रुक के बोलते, कभी कभार क्या मोस्टली रुक रुक के बोलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो थोड़ा सा उसको बेसिक सिखाते हैं, थोड़ी सी उसकी स्पीच के ऊपर जो है ना वो इम्प्रूवमेंट करने वाली प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। 3-4 महीने पहले तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता था, अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उसमें, हमें पता ही नहीं चलता था कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, लेकिन फ़िलहाल अब वो खूब अच्छे से बात करता है। आपने भी कई लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वो लोग जो है ना जी आज बर्थडे जो है आज वेदांत का बर्थडे जो है ना जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 4 बजे उन्होंने बोला है कि वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, केक वो खुद ही अपनी तरफ से मंगवा रहे। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि केक के साथ जो है ना हम, क्योंकि 10-12 बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ हम भी जो है ना अपनी तरफ से भी ले जाएंगे। आज इसका एक बार फिर से जी बर्थडे बन रहा है और हम यहाँ पर लेने आए हुए हैं जी पिज्ज़ा, 24 पिज्ज़ा हमने यहाँ पे लिए हैं जी, और ये 3 थैलों में जो है ना फर्स्ट क्लास भर गए हैं भाई। मैं तो पंकज से क्या सोच रहा था, इसके अंदर ना फोटो खींच लेते हैं, थंबनेल बन जाएगा। तो जी 2 पैकेट पंकज ने ले लिए हैं जी, 1 पैकेट है जी मेरे हाथ में, और वेदांत हमारा पीछे फिर मेरे ख्याल से बॉल के चक्कर में वो रुक रहा है कि फिर बॉल चाहिए, जहाँ मार्केट में बॉल या कार जो दिख जाए वो चाहिए इस बंदे को। चलते हैं जी फटाफट, 4 बजे का टाइम दिया हुआ, पौने 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। Tell me what's wrong and why you never came.
पहले बर्थडे पे ना ये वाला पेन दिया था, क्योंकि मतलब जैसे कि पापा जी जितने का ना उतने में मैं 4-5 पेन ले आऊंगी और ये अब चेंज करने के लिए आ गई भैया के पास में है। चल ले कौन सा लेना है जो आप मैंने लिया था 70 रुपये का एक पेन और मेरी लड़की लेकर जाएगी 70 रुपये के 7 पेन। गुड गर्ल, चलो शाबाश, चले ठीक है। चलो कल से पीछे पड़ी हुई है, मेरे को पेन चेंज करना है, मेरे को पेन चेंज करना है। मैंने कहा अच्छा भैया ये भी काम निपटा दूं, इधर आ जाए। टाइम हो रहा जी 8:20 और यहाँ आ गया जी अपना अजवाइन वाला पानी और साथ में बैठी जी यहाँ पर ये नोना जी मोबाइल में अपना टाइम पास कर रही है। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये देखो जी ये अभी तक लगा हुआ है। घर वालों का कहना है कि 7 तारीख को जी जी एक ही बार उतारेंगे, तेरा जन्मदिन भी नहीं पड़ जाए भाई। मैंने कहा यार तब तक तो इसका बुरा हाल हो जाएगा। कहते हो गया तो उतार देंगे और अगर ठीक रहा तो इसको लगा रहने से 7 तारीख को तेरा जन्मदिन भी निकल जाएगा। मैंने कहा बढ़िया है भाई साहब। फिलहाल जी ये अपना अजवाइन वाला पानी ख़त्म करने के बाद जी टाइम इसलिए दिखाया था आपको कि अब जो है ना फटाफट जूते पहनकर मैं निकलने लगा हूँ सैर करने के लिए। सैर मतलब अपनी साइकिल चलाने के लिए। तो जी साइकिल लेके मैं निकल गया हूँ जी अपना राउंड लगाने के लिए। और यकीन मानो अभी मुझे घर से निकले हुए ना 1/2 घंटा हो गया है और मैंने मुश्किल से जो है ना मतलब साइकिल तो एटलीस्ट शायद 3 किलोमीटर चला दी होगी, लेकिन मैं अभी भी जो है ना अपने घर के बिल्कुल 1 से 2 किलोमीटर के बीच के दायरे में हूँ भाई। बस साइकिल में हवा भरवाने के लिए 2-3 दुकानों पे गया, सारे दुकान बंद करके या तो निकल गए हैं या भाई जा रहे हैं। अपना खुद का भाई एक पंप खरीदना पड़ेगा, ये तो आज फाइनल हो गया। क्योंकि मैंने सोचा यार इस साइकिल में ना एक बड़ी दिक्कत है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी हवा कम है ना तो भाई इसको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे खींचना पड़ रहा है, और अगर हवा हो ना भाई बिल्कुल टकाटक तो ऐसे भागते हैं। आज ना मैं सही बता रहा हूँ, मेरा मन था कि भाई मैं जो है ना आज मेहरौली छतरपुर की साइड जाऊँ, निकल तो गया हूँ उस तरफ। अब देखो कितना राउंड लगता है। पहुँच गया हूँ जी कुतुब मीनार। अब सामने ना पेड़ आ गए, इतनी चढ़ाई में चढ़कर जो है ना ये देख रहे हो जहाँ से बस आ रही है, इतनी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आया और भाई सामने कुतुब मीनार नज़र नहीं आ रहा। यार मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो वहाँ खड़े होकर वीडियो बनाएंगे। लो जी सामने नज़र आ गया जी कुतुब मीनार। मैं सही बताऊँ मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया था। मैंने कहा यार पता नहीं पेड़ से ना पेड़ के पीछे से पता नहीं चल रहा था कि लाइट जल भी रही होगी नहीं जल रही होगी, क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है ना वो कहते हैं ना जी घर की मुर्गी दाल बराबर, दुनिया इतनी दूर दूर से देखने के लिए आती है और अपने घर के पास है, बस कभी मेहरौली वगैरह कभी इस साइड चक्कर लगता है तो देखने के लिए आते हैं। बाकी चलो थोड़ा सा मैं ट्रैक पैदल चलकर आया हूँ, वहाँ पे ना ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी तो हिम्मत करके मैंने साइकिल चला ली। फिर मैंने कहा भाई अपने गोडों को बर्बाद करने वाली बात है, इतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी आराम से हो सके उतना करो। 2-4 मिनट यहाँ खड़ा हूँगा भैया, थोड़ी कोशिश करता हूँ शायद कुछ अच्छी फ़ोटो जो है ना खींच सकूँ। तो भाई कुतुब मीनार की जी मैंने कुछ फ़ोटो खींची है जी, प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँगा। बाकी अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखोगे सुमित चोपड़ा ऑफिशियल में, तो मैंने इससे भी ज़्यादा जो है पिक्स डाली है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोटोज़ जो है जी कैसी लगी हैं। अब यहाँ से जो सर्कल है ना जी ये घूमते हैं और निकलते हैं जी छतरपुर मंदिर के लिए, ठीक है जी। अभी जितनी चढ़ाई मिली ना चढ़ते हुए, अब पूरी की पूरी ढलान है भाई, बस कोई बीच में गाड़ी वाड़ी ना आए तो बगैर पैंडल मारे जो है ना आराम से 1-1.5 किलोमीटर चला जाऊंगा। और ये रॉन्ग साइड से आने वालों का भगवान ही भला करे। तो भाई छतरपुर जाना हो गया जी कैंसिल, मैं जा रहा हूँ अब घर वापस। अभी पंकज का फ़ोन आया है कि कल सोम बाजार कैंसिल था होली की वजह से या जो भी कारण था, और आज जाना है जी मंगल बाजार, जो मैंने उनको बताया था ना कि शेखसराय में लगता है, पहले तो हमें पता ही नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि एक बार जो है ना वहाँ जाके देख लो भाई। लो ये अपना डिनर टाइम हो गया जी, एक प्लेट खीरे की जी और थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी दाल ली है। बहुत टाइम हो गया दाल चावल नहीं खाए थे, तो आज मैंने कहा चलो दाल चावल खाते हैं जी। पहली बार जी हम आए हैं जी मंगल बाजार, देखते हैं जी। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये देख रहे हैं ये वाले है ना, ये अचार वगैरह के लिए किसके लिए। बस जी इसके बाद हमने काफ़ी सारी सब्जी वब्जी खरीदी, लेकिन माइक जो है ना पता नहीं कब बंद हो गया। तो रिकॉर्डिंग तो काफ़ी कुछ करा था लेकिन माइक नहीं काम किया, तो मैंने कहा चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।